स्टूडेंट्स, निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स पर आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन कौन से देश सैन्य एवं आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ओमान की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं? और ऑप्शन है चीन, ईरान, अफगानिस्तान, रूस और भारत। स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि ओमान की खाड़ी में कौन से देशों के बीच एक संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है, और आपके लिए ऑप्शंस है ए, बी, सी या डी। आइए अब देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात चीन, ईरान और रूस, ये तीनों मिलकर ओमान की खाड़ी में एक अभ्यास कर रहे हैं और अफगानिस्तान और भारत का इस अभ्यास से कोई संबंध नहीं है। आज के हमारे एमसीक्यू का आधारता था हिंदू में प्रकाशित एक खबर, जिसमें लिखा है कि चाइना, रशिया एंड ईरान टू होल्ड नेवल ड्रिल्स इन गल्फ ऑफ ओमान। स्टूडेंट्स, आप गल्फ ऑफ ओमान को एक बार मैप पे जरूर देख लेना। मेरी वैसे नेक्स्ट स्लाइड भी गल्फ ऑफ ओमान को मैंने दिखाया है, उसमें आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। स्टूडेंट, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये गल्फ ऑफ ओमान है। आप देख सकते हैं ये अरेबियन सी है, इधर ये पर्शियन गल्फ है जिसको फारस की खाड़ी बोलते हैं, और ये ओमान कंट्री है, और ये है गल्फ ऑफ ओमान। तो गल्फ ऑफ ओमान के अंदर ईरान, चीन और रूस के द्वारा एक संयुक्त युद्धाभ्यास किया जा रहा है। आप ध्यान रखना इसको, और इसकी ये लोकेशन भी ध्यान रखना। आज का हमारा अगला प्रश्न है, यमन की सीमा निम्नलिखित किन देशों से लगती है? ऑप्शंस है सऊदी अरब, ओमान, कतर, इराक और जॉर्डन। स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि यमन की सीमा इन पांचों देशों में से किन किन देशों से लगती है, और ऑप्शंस है ए, बी, सी या डी। आइए अब देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात जो यमन का जो बॉर्डर है वो सऊदी अरेबिया और ओमान से लगता है। कतर, इराक और जॉर्डन, इनसे यमन का बॉर्डर नहीं लगता। और आज के हमारे इस एमसीक्यू का आधारता था हिंदू में प्रकाशित एक खबर, जिसमें लिखा है कि 17 सिविलियंस किल्ड इन अटैक ऑन यमन मार्केट, अर्थात यमन में अभी एक हमला हुआ है जिसमें 17 सिविलियंस की डेथ हुई है। तो मुझे लगा कि क्यों ना यमन की लोकेशन ही पूछ ली जाए आपसे, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी लोकेशन बेस्ड 4 से 5 क्वेश्चन पूछ ही रहा है स्टूडेंट, और वो कहीं ना कहीं करंट की न्यूज़ में रहते हैं। और इन दिनों तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, बहुत सारे कंट्रीज़ के जो यूपीएससी है ना, उसकी सिटीज़ के बारे में भी पूछता है। वो पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से शहर इराक के है, अफगानिस्तान के है या ईरान के है। तो आपको सिटीज़ को भी याद रखना है। तो जैसे जैसे जो जो सिटीज़ आती रहेगी, मैं उनको भी अपने एमसीक्यूज़ में शामिल करता रहूँगा। आप इस मैप में देख सकते हैं स्टूडेंट, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये यमन है। आप देख सकते हो यमन का बॉर्डर इधर ओमान से लगता है और इधर सऊदी अरेबिया से लगता है। हमारे ऑप्शन में इराक था, आप देख सकते हैं इराक कितनी दूर है इससे, और कतर था, कतर का भी इससे कोई लेना देना नहीं है इसके बॉर्डर से। तो ऑप्शन था हमारा कि इसका जो आंसर सही होगा कि ओमान से और सऊदी अरेबिया से, इन दोनों कंट्रीज से जो यमन का बॉर्डर लगता है। स्टूडेंट्स, आप मुझे बताना कि यहाँ पर जो ये सी का हिस्सा है, ये कौन सा सी बोला जाता है इसको? आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिख के ज़रूर बताना कि जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है इसको कौन सा सी बोला जाता है, और एक जो ऊपर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है, आप मुझे बताना कि ये कौन सा सी है। आज का अगला प्रश्न है, पश्चिमी माल भाड़ा गलियारा वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह दिल्ली से मुंबई के बीच निर्माणाधीन एक मीटर गेज गलियारा है। दूसरा, इस प्रोजेक्ट के संचालन के लिए सरकार ने वर्ष 2006 में एक समर्पित निकाय DFCCIL अर्थात डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की। आपको बताना है कि वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। आइए अब देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात केवल कथन 2 सही है और कथन 1 गलत है। तो पहले देखते हैं स्टूडेंट, पहला स्टेटमेंट क्या है। पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि दिल्ली से मुंबई के बीच निर्माणाधीन एक गलियारा है। बिल्कुल सही है स्टूडेंट, यह दिल्ली से मुंबई के बीच ही बन रहा है जो हमारा वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है।
लेकिन जो इसमें कहा गया है कि ये मीटर गेज गलियारा है, नहीं ये मीटर गेज नहीं है, ये ब्रॉड गेज है, आप ये ध्यान रखना। और आप मुझे साथ के साथ ये भी बताना कि जो रेलवे के हमारे ट्रैक होते हैं उसमें एक होता है नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि हर एक का मीटर लिख के बताना कि नैरो गेज कितने मीटर का होता है, मीटर गेज कितने का और ब्रॉड गेज कितने का, आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। तो पहला स्टेटमेंट तो ये हुआ गलत, क्योंकि ये मीटर गेज नहीं है, ये ब्रॉड गेज पे बन रहा है। दूसरा, इस प्रोजेक्ट के संचालन के लिए सरकार ने 2006 में एक डेडिकेटेड बॉडी बनाई जिसका नाम था DFCCIL। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, आप इसको नोट करके रखना। और आज के हमारे एमसीक्यू का आधार था द हिंदू में प्रकाशित एक खबर जिसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के बारे में बात की गई है। स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारा वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, इन सब के बारे में बताया गया क्या प्रोजेक्ट है, किन किन सिटीज़ को जोड़ा जा रहा है। आने वाली स्लाइड में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा कि ये फ्रेट कॉरिडोर है क्या और इनका काम क्या है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये स्लाइड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की है। तो आप देख सकते हैं टाइप क्या है इसका, ये फ्रेट कॉरिडोर है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुआ था, जनवरी 2016 में। और जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये कब तक पूरा होगा, 2019 तक की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन अभी जैसे हाल ही के जो स्थिति बनी है उसके चलते लग रहा है कि 2020-21 तक ये जाके कंप्लीट होगा। और जो इसकी पूरी लेंथ है वो 1483 किलोमीटर होगी, अर्थात 1483 किलोमीटर होगी। आप देख सकते हैं कहाँ से चलेगा ये, दिल्ली से शुरू होकर, दादरी दिल्ली से होके, फिर रेवाड़ी, अजमेर, फिर ऐसे राजस्थान होते हुए, फिर ये गुजरात, और उसके बाद ये लास्ट जो इसका वो होगा ये मुंबई तक जाएगा। तो दिल्ली से मुंबई के बीच है। तो इसके फेज़ वन में 915 किलोमीटर, और ये जो सेकंड फेज़ है आप देख सकते हो, आप इस जो स्लाइड को है एक बार आप फिर से देख लेना। आपको याद रखना है कि दिल्ली से लेके मुंबई के बीच है, फ्रेट कॉरिडोर है, उसके साथ ही शुरुआत हुई थी, 2016 में हुई थी। जो कम्प्लीटिशन, मतलब बोल रहे थे कम्प्लीशन कब तक होगा कि 2019 तक होगा, लेकिन अभी काम पूरा नहीं है और उम्मीद लगाई जा रही है कि 2021 तक कंप्लीट होगा। और उसकी जो टोटल जो लंबाई होगी वो 1483 किलोमीटर होगी। आप मेरी इस नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, मैंने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को थोड़ा और डिटेल में बताया है। जैसे पहला पॉइंट है कि द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1483 किलोमीटर या 928 माइल के होगा। इसमें एक डबल लेन इलेक्ट्रिक ट्रैक बनाया जाएगा जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से लेके मुंबई में है, से लेके दादरी तक होगा, और जिसमें वडोदरा, अहमदाबाद, पालनपुर, फुलेरा, रेवाड़ी, ये सब इसमें बीच बीच में जो जंक्शन से इनसे होके वो गुजरेगा। उसके बाद ही जो DFC है, देखो ये ब्रॉड गेज कॉरिडोर है, जैसा मैंने आपसे ऑप्शन में भी पूछा था, अंडर द कंस्ट्रक्शन दैट विल कनेक्ट दिल्ली एंड मुंबई, द नेशनल एंड बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया। मतलब तो दिल्ली तो क्या होगी, नेशनल कैपिटल होगी, और मुंबई को क्या बोला जाता है, बिजनेस कैपिटल। तो ये जो फ्रेट कॉरिडोर है ये नेशनल कैपिटल को बिजनेस कैपिटल से जोड़ेगा। उसके बाद यहाँ देखिए आप, अक्टूबर 2006 में द इंडियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड ए डेडिकेटेड बॉडी, एक समर्पित एक बॉडी को एस्टेब्लिश किया जिसका नाम था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया DFCCIL टू कैरी आउट द प्रोजेक्ट। तो मतलब जो प्रोजेक्ट को जो आगे कैरी ऑन करने के लिए एक डेडिकेटेड बॉडी बनाई गई जिसका नाम है DFCCIL। उसके बाद ये देखिए, वेस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है विल सेपरेट फ्रेट एंड पैसेंजर ट्रैफिक। मतलब ये पैसेंजर जो ट्रैफिक होगा वो अलग होगा, और जो माल भाड़े वाला जो ट्रैफिक होगा वो अलग होगा इसमें, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ फ्रेट मूवमेंट, ताकि जो फ्रेट के मूवमेंट की स्पीड को बढ़ाया जा सके। और इसमें किन किन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा देख सकते हो आप, ट्रांसपोर्ट फर्टिलाइजर्स, फूड ग्रेन्स, सॉल्ट, कोल, आयरन एंड स्टील एंड सीमेंट। उसके साथ ही द प्रोजेक्ट विल इवेंचुअली बी लिंक टू ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। उसके बाद में हमारे इस प्रोजेक्ट को किससे लिंक किया जाएगा, जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से लिंक किया जाएगा, टू फॉर्म फोर हब नोन, जिससे कि जो हमारे चार हब है उनको जोड़ने के लिए, और इंडियाज गोल्डन क्वाड्रिलेटर, जिसको भारत का जो स्वर्णिम जो चतुर्भुज है वो बोला जाता है, और वो कौन जो हब है हमारे, वो दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता है। यहाँ बस मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ स्टूडेंट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। कल एक बच्चा बोला सर आप इतना सारे क्वेश्चंस पूछते हो कैसे लिखे, कोई नहीं, वो आप होमवर्क भी करके अगर रखेंगे
तो वो आपके ही काम आएगा। आप जो लिखते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं लिखते एटलीस्ट आप अपनी कॉपी में उसको नोट करके ज़रूर लिखना। आज का जो एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको दे रहा हूँ कि जो ईस्टर्न डेडिकेटेड हमारा फ्रेट कॉरिडोर है वो कहाँ से कहाँ के बीच बन रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, और नहीं भी बताओगे तो अपनी नोटबुक में लिख के ज़रूर रखना आप। आज का अगला प्रश्न है अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RDSO जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा। पहला, इसका जो कथन है, यह रेलवे मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संगठन है जो रेलवे बोर्ड को तकनीकी सलाह एवं परामर्श देता है। दूसरा, केंद्रीय मानक कार्यालय एवं रेलवे टेस्टिंग एंड रिसर्च सेंटर को एकीकृत करके RDSO का गठन किया गया है। स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि RDSO के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात RDSO के बारे में कथन एक और कथन दो दोनों ही सही है। स्टूडेंट, आप इन दोनों जो कथन है इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, और क्योंकि मैंने ये RDSO की साइट से ही लिखे है और UPSC इन दिनों किसी ना किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से या किसी गवर्नमेंट बॉडी से क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी बनाया। अभी इसका सोर्स भी बताता हूँ कि मैंने क्यों बनाया है प्रश्न। और आज के हमारे MCQ का आधार था द हिंदू में प्रकाशित एक खबर। ये स्लाइड मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी लगाई थी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। स्टूडेंट, जैसा हमने देख लिया कि वो फ्रेट कॉरिडोर क्या करेगा, माल का जो ट्रांसपोर्ट करेगा जिसमें सॉल्ट भी, सीमेंट भी, फर्टिलाइजर्स भी, लेकिन उसके लिए हमें कोचिज़ की रिक्वायरमेंट होगी, वैगन की रिक्वायरमेंट होगी, तब उसके लिए वैगन बनाए जा रहे हैं क्योंकि रेलवे लाइन भी बिछाई जा रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग वैगन भी बनाए जाएंगे। तो अभी कुछ वैगन्स बने हैं BLCS टाइप ए और बी। अब ये वैगन बने हैं तो इनके प्रोटोटाइप तो बन गए, लेकिन अभी इनको टेस्ट भी तो करके देखा जाएगा। तब यही बताया गया है इस न्यूज़ में, द वैगन यूज फॉर हॉलिंग फ्रेट हैव बीन टेस्टेड बाय रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिस पर मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछा। RDSO मतलब जो वैगन बन रहे हैं, अब उनको टेस्टिंग का काम कौन करेगा? RDSO। और ये RDSO ही क्या करता है? रेलवे बोर्ड होता है, उसको टेक्निकल और अदर एडवाइजरी सर्विसेज ये RDSO ही प्रोवाइड कराता है, आप इसको ध्यान रखना। आज का हमारा अगला प्रश्न है डेटा प्रोटेक्शन विधेयक 2019 में डेटा प्रिंसिपल के कौन कौन से अधिकार है। एक तो इस पे आप इम्पोर्टेंट लिख लेना स्टूडेंट, और ऊपर के दोनों क्वेश्चन भी RDSO भी इम्पोर्टेंट रखना आप। पहला कथन है डेटा फिड्यूसरी से अपने पर्सनल डेटा का सारांश प्राप्त करने का अधिकार। दूसरा, गलत अधूरे या पुराने पर्सनल डेटा में संशोधन की मांग का अधिकार। तीसरा, दूसरे डेटा फिड्यूसरी को पर्सनल डेटा ट्रांसफर करने का अधिकार। चौथा, टू बी फॉरगॉटन का अधिकार। स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि जो डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 अभी हमारी पार्लियामेंट में रखा गया था उसके उसमें जो डेटा प्रिंसिपल है उसको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। आइए अब देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात डेटा प्रिंसिपल को ये चारों अधिकार प्राप्त है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को तो यही लग रहा होगा कि भाई ये डेटा प्रिंसिपल क्या है, ये डेटा फिड्यूसरी क्या है, हम तो जानते ही नहीं इसके बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ डेटा प्रिंसिपल और फिड्यूसरी क्या है। ये तो मैं पुराने MCQ में भी पूछ चुका हूँ, जिसमें डेटा प्रिंसिपल वो होता है जिसके आंकड़ों को कलेक्ट किया जाता है, तो उसको बोला जाता है डेटा प्रिंसिपल। आप लिख लेना, जिसके आंकड़े कलेक्ट किए जा रहे हैं वो है डेटा प्रिंसिपल, और जो उसके आंकड़े को कलेक्ट कर रहा है उसको बोला जाता है डेटा फिड्यूसरी। तो ये दोनों ध्यान रखना आप, डेटा प्रिंसिपल और डेटा फिड्यूसरी के बीच में अंतर क्या है। और डेटा प्रिंसिपल को सारे ही ये चारों अधिकार प्रदान किए गए हैं, वो डेटा फिड्यूसरी से अपने पर्सनल डेटा की समरी प्राप्त कर सकता है। दूसरा, अगर कुछ गलत अधूरे या पुराने पर्सनल डेटा है तो उनमें संशोधन की मांग भी कर सकता है वो। और उसके अलावा आप अगर डेटा प्रिंसिपल है तो आप अपने डेटा को दूसरे डेटा फिड्यूसरी को भी ट्रांसफ़र करने का आपको अधिकार है। उसके साथ ही लास्ट में जो टू बी फॉरगॉटन का अधिकार, मतलब अगर कोई आप चाहते हैं कि डेटा फिड्यूसरी के पास आपका वो डेटा ना रहे तो आपको अधिकार है टू बी फॉरगॉटन का अधिकार। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा।
और आज के हमारे एमसीक्यू का आधार था द हिंदू में प्रकाशित एक खबर जिसमें बोला गया द डाटा प्रोटेक्शन बिल ओनली वीकेंस यूजर्स राइट। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, मैंने पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के बारे में जो डाटा प्रिंसिपल के क्या अधिकार है उसको डिफाइन किया है, आप पढ़ सकते हैं एक बार। देखो डाटा प्रिंसिपल के अधिकार या जो बिल अर्थात पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की बात है, यह उस डेटा प्रिंसिपल के कुछ अधिकार निर्धारित करता है जिसके डेटा को प्रोसेस किया जाता है। अर्थात डेटा प्रिंसिपल कौन है, जिससे जुड़ा वो डेटा है और उसको कौन से अधिकार है। देखो पहला अधिकार है डेटा फिड्यूसरी के पास अपने पर्सनल डेटा का सारांश प्राप्त करने का अधिकार। सेकंड, गलत अधूरे पुराने पर्सनल डेटा में संशोधन की मांग का अधिकार। तीसरा, कुछ मामलों में किसी दूसरे डेटा फिड्यूसरी को पर्सनल डेटा ट्रांसफर करने का अधिकार। चौथा, टू बी फॉरगॉटन का अधिकार। अब ये क्या है, यानी एक बार प्रयोग किए जाने के बाद किसी व्यक्ति का डेटा मिटा दिया जाए या उस डेटा को अनाम बता दिया जाए, जिसमें डेटा प्रिंसिपल अपने पर्सनल डेटा को प्रतिबंधित कर सकता है या यह कह सकता है कि उसके डेटा का अब खुलासा ना किया जाए। स्टूडेंट इसको जरूर याद रखना, टू बी फॉरगॉटन का अधिकार दिया गया है इसमें जो हमारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है। बहुत सारे बच्चे इस बिल के बारे में हो सकता है नहीं जानते हो, लेकिन वो बच्चे जो मेरे से करंट अफेयर की क्लास में पढ़ चुके हैं उनको तो मैं डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आप में से बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड होगी कि इस बिल को थोड़ा डिटेल में समझाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताना, फिर हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। आज का हमारा अगला प्रश्न है, नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, नाटो का उद्देश्य राजनीतिक एवं सैन्य साधनों के द्वारा सदस्य देशों की स्वतंत्रता अर्थात फ्रीडम एवं सुरक्षा को गारंटी प्रदान करना है। दूसरा स्टेटमेंट, इसकी सदस्य संख्या 30 है एवं इसके सभी निर्णय आम सहमति अर्थात कंसेंसस से लिए जाते हैं। आपको बताना है कि नेटो के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। आइए अब देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात नाटो के बारे में केवल कथन एक सही है और कथन दो गलत है। पहला कथन, आप स्टूडेंट जरूर ध्यान रखना कि इसका जो पर्पज क्या है नाटो का, इसका पर्पज है कि जो राजनीतिक एवं सैन्य साधनों मतलब पॉलिटिकल या मिलिट्री मींस के जरिए जो उसके सदस्य देश है मतलब जो उसके जितने भी सदस्य देश है उनकी स्वतंत्रता का और उनकी सुरक्षा को गारंटी प्रदान करना इसका उद्देश्य है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, देखते हैं गलत है ये क्यों गलत है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि इसकी सदस्य संख्या 30 है। नहीं, इसकी सदस्य संख्या 30 नहीं है, आप ध्यान रखना, इसके अंदर 29 सदस्य है। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है कि इसके सभी निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आप इसको याद रखना। और आज के हमारे इस एमसीक्यू का आधार था द हिंदू में प्रकाशित एक लेख जिसमें कहा गया क्रैक्स इन द रेलिक द डाउन टर्न इन टर्की रिलेशन विद द US होल्ड्स इम्प्लीकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ नाटो। मतलब अभी टर्की के और US के बीच में जो टेंशन वाली सिचुएशन चल रही है उस पर आधारित ये हमारा जो लेख था। अगर आपको इस लेख में क्या लिखा है तो आज का हमारा जो डेली हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन वाला सेगमेंट है उसकी वीडियो में जाके देख सकते हैं कि पूरी कहानी क्या है, कि टर्की और US के बीच में विवाद क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब क्योंकि मैंने बताया था कि नाटो की जो मेंबरशिप है वो 29 कंट्रीज इसके मेंबर है। स्टूडेंट आप ये ओरिजिनल नाटो की मैंने वेबसाइट से लिए है, 29 देश है और जो बताया गया है कि देखो बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रीस, टर्की, देखो टर्की क्योंकि विवाद चल रहा है US और टर्की के बीच में, तो ये रहा US और ये रहा टर्की, दोनों ही नाटो के मेंबर है। जर्मनी, स्पेन, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया, क्रोशिया और मोंटेनिग्रो, ये सारे इसके 29 सदस्य है। और जो सबसे देख सकते हैं लेटेस्ट जो इसका मेंबर है वो मोंटेनिग्रो है जो 2017 में बना था। जो ये नेक्स्ट स्लाइड है स्टूडेंट, ये भी मैंने नाटो की ओरिजिनल स्लाइड से ही तैयार की है, आप इसको देख सकते हैं कि नाटो क्या है, एक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है ये। और इसका जो पर्पज़ है, देखो पर्पज़ क्या है, गारंटी द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर थ्रू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मींस, मतलब पॉलिटिकल और मिलिट्री साधनों के जरिए
जो इसके सदस्य देशों की फ्रीडम की और सिक्योरिटी को गारंटी देना है। उसके बाद जो नाटो डिसीजन क्या है, इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द कलेक्टिव विल, याद रखो ये सामूहिक इच्छा है, ऑफ द ऑल 29 मेंबर्स, तो मेंबर भी हो गए 29 मेंबर हो गए। सिंस ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय कंसेंसस, मतलब सभी जो निर्णय है वो आम सहमति से लिए जाते हैं, आप ये ध्यान रखना इस स्लाइड को। आज का हमारा अगला प्रश्न है, वेनाड वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह नागरहोल, बांदीपुर एवं मुदुमलाई संरक्षित क्षेत्र का निकटवर्ती क्षेत्र है। दूसरा, काबनी नदी इस अभ्यारण्य से होकर बहती है। तीसरा, यहाँ पर अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि वेनाड वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन कौन सा कथन सही है। आइए अब देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात वेनाड वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में कथन एक, कथन दो और कथन तीन, ये तीनों ही कथन सही है। और आज के हमारे एमसीक्यू का आधार था द हिंदू में प्रकाशित एक खबर, जिसमें बताया गया कि वेनाड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें ह्यूमन और जो एनिमल कन्फ्लिक्ट के कारण एक इंसान की डेथ हो गई, एक ट्राइबल वीमेन थी, वीमेन नहीं थी स्टूडेंट, ये मैन था, ए 58 ईयर ओल्ड ट्राइबल मैन। आइए थोड़ा वेनाड वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। आप इस स्लाइड को देखो, इसमें क्या लिखा है, ओरिजिनल वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो साइट है ना स्टूडेंट्स, मैंने ओरिजिनल उस साइट से ये पूरी स्लाइड बनाई है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यूपीएससी हर साल एक क्वेश्चन में आपको अभी भी बता देता हूँ, आप एक होमवर्क बिल्कुल करके रख लेना, हमारे जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के, उनकी क्या विशेषताएं है, कहाँ उनकी लोकेशन है, कौन कौन सी फ्लोरा मिलती है, क्या फौना है, ये सर किस किस स्टेट्स में उसका एक्सपेंशन है, ये सारे आप होमवर्क करके रख लेना, क्योंकि आप पिछले 3-4 सालों के क्वेश्चन अगर उठा के देखोगे तो हर साल एक ना एक प्रश्न बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, इन पे एक कोई ना कोई एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। अब आप स्लाइड को देखिए कि वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज कंटिगुअस टू द प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ नागरहोल, बांदीपुर ऑफ कर्नाटक एंड द ऑन द नॉर्थ ईस्ट, मतलब इसके उत्तर पूर्व पे, तो ये किसके निकटवर्ती है, नागरहोल के और जो बांदीपुर है, एंड मुदुमलई जो तमिलनाडु में है, ऑन द साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व में किसके निकट है, मुदुमलई जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। रिच इन बायोडाइवर्सिटी, यह जैव विविधता में रिच है। द सेंचुरी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अब ये देखो कि जो वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यह नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व है, उसका क्या एक पार्ट है। इट वॉज फ्रॉम हेयर दैट पजासी राजा फाउट वेलेंटली अगेंस्ट द ब्रिटिश, यहाँ थोड़ा इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है, ये भी देख लेना, लोकेशन मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद देख लेना, एरिया भी देख लेना, यहाँ मैं आपको बताऊंगा एक तो इसका टेम्परेचर, द टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 13 डिग्री सेंटीग्रेड टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद यहाँ पर रेनफॉल देख सकते हैं आप, जो एनुअल रेनफॉल है वो 2000 मिलीमीटर है। यहाँ ड्रेनेज देखो कौन कौन सी नदियाँ होकर गुजर रही है, चेरुपूजा, बवाली पूजा, काबनी रिवर, देखो ये मैंने ऑप्शन में रखा था, कन्नारम पूजा, उसके साथ देखेंगे हम यहाँ फॉरेस्ट, कौन कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं। द फॉरेस्ट टाइप्स इंक्लूड साउथ इंडियन मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट, मतलब यहाँ पे जो पर्णपाती वन है वो मिलते हैं, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, मतलब अर्ध सदाबहार जो वन है वो भी मिलते हैं यहाँ पे, टीक मिलता है, यूकेलिप्टिस मिलता है एंड ग्रिवेलिया मिलता है। बायोडाइवर्सिटी को आप नोट करना, द मेजर ट्रीज स्पीसीज आर टेक्टोना ग्रैंडिस, ये सारे नाम है आप जो ट्री स्पीसीज है, उसके साथ ही यहाँ 45 जो स्पीसीज ऑफ मैमल्स पाई जाती है और रेप्टाइल्स भी मिलते हैं यहाँ पे। आप इसमें कौन कौन सी जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ इसको देख सकते हैं, एलिफेंट मिलता है, गौर मिलता है, टाइगर मिलता है, देखो क्योंकि टाइगर कन्फ्लिक्ट से उस ट्राइबल की डेथ हुई है तो यहाँ पे टाइगर मिलता है, पैंथर मिलता है, सांभर मिलता है, स्पॉटेड डियर मिलता है, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर, स्लोथ बियर, नीलगिरी लंगूर, बोनेट मकाओ मिलता है, कॉमन लंगूर मिलता है, वाइल्ड डॉग मिलता है, कॉमन ओटर मिलता है, मालाबार गैंट स्क्वायरल मिलती है, ये सब यहाँ पे मेजर मैमल्स है, आप ध्यान रखना। तो इस स्लाइड को आप एक बार फिर से खुद से पढ़ना स्टूडेंट, क्योंकि हो सकता है इसी स्लाइड से यूपीएससी पीटी में आपके सामने एक प्रश्न आ जाए।
आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसको इंपोर्टेंट कर लेना, गुड गवर्नेंस डे मैंने पूछ ही चुका हूँ स्टूडेंट कब होता है, आपने मुझे बताया भी था कमेंट सेक्शन में लिख के, और हमने एमसीक्यू भी बनाया था। अब ये बात आई है गुड गवर्नेंस इंडेक्स के ऊपर। अब पहला कथन है इस प्रश्न का कि यह सूचकांक 10 क्षेत्रों को शामिल करता है, अर्थात 10 सेक्टर्स को शामिल करता है, तथा इसमें राज्यों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। दूसरा स्टेटमेंट है सूचकांक में बड़े राज्यों में संयुक्त रैंकिंग में प्रथम जो स्थान है वो केरल को प्रदान किया गया है। आपको बताना है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और ऑप्शंस है ए, बी, सी या डी। आइए अब देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात केवल कथन एक सही है और कथन दो गलत है। पहले कथन को दोबारा से देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि 10 क्षेत्रों को शामिल करता है, बिल्कुल सही है स्टूडेंट, ये 10 सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। वो सेक्टर्स क्या है नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, आप अभी इतना याद रखो। और राज्य को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी है, वो भी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है कि सूचकांक में बड़े राज्यों में संयुक्त रैंकिंग में प्रथम स्थान केरल को दिया गया है, ये स्टेटमेंट गलत है। केरल को प्रथम स्थान नहीं, यह प्रथम जो स्थान मिला है वो तमिलनाडु को प्रदान किया गया है। आप इस नेक्स्ट स्लाइड को देख सकते हैं, गुड गवर्नेंस इंडेक्स को दिखाया है स्टूडेंट मैंने। सबसे पहली बात तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्लाइड, क्योंकि सेकंड पेपर में आपका गवर्नेंस है, तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है ये। पहले तो आप मुझे एक होमवर्क देता हूँ मैं इसमें आपको, आप मुझे बताना कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स है इसको जारी कौन करता है। इसी स्लाइड में है, आप बस देख के मुझे बताना कि इसको जारी कौन करता है। अब देखते हैं स्लाइड को, देखो इस स्लाइड में बोला गया है कि ये 10 सेक्टर्स के आधार पर इसको तैयार किया जाता है, और जिसमें से फिर 50 से ज़्यादा या लगभग 50 के करीब इसमें इंडिकेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब वो 10 सेक्टर कौन कौन से है वो भी देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो इसमें जो राज्य को है तीन कैटेगरी में बांटा गया है, बिग स्टेट्स, ये नोट करना आप, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स दूसरा कैटेगरी, और तीसरा है यूनियन टेरेटरीज। ये तीन तो इसमें राज्यों की कैटेगरी हो गई। तो हमारा जो स्टेटमेंट था कि इसमें राज्यों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, बिल्कुल बांटा गया है, बिग स्टेट्स हो गए, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स हो गए, और यूनियन टेरिटरीज हो गई, ठीक है। और 10 सेक्टर वाइज भी है, क्योंकि इसमें 10 सेक्टर में बांटा गया है। यहाँ देख लिया हमने 10 सेक्टर के आधार पर ये रैंकिंग दी गई है, फिर उसमें 50 इंडिकेटर का इस्तेमाल किया। अब ये देखो बड़े राज्यों में पहला स्थान किसका है, आप देखो तमिलनाडु, और मैंने क्या पूछा था केरला, केरल को तो आप देखो कहाँ है, 8वें नंबर पे है, ये ध्यान रखना। तो पहला नंबर है तमिलनाडु का, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा आंध्र प्रदेश, छठा गुजरात, सातवा हरियाणा, आठवा केरल, फिर 9th पे एमपी है, और 10th पे है वेस्ट बंगाल। अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स में फर्स्ट रैंक किसकी है गुड गवर्नेंस में, तो देखो ये रहा, हिमाचल प्रदेश फर्स्ट रैंक पे है, उसके बाद उत्तराखंड, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, असम, JNK, मणिपुर और मेघालय। अब बात आई यूनियन टेरिटरीज, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें सबसे अच्छा गुड गवर्नेंस में कौन सा यूटी है, तो ये रहा पुडुचेरी, इसमें पहला स्थान है। आप मुझे पुडुचेरी के जो LG का नाम जरूर बताना लिख के स्टूडेंट्स, कि वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है कौन है। उसके साथ ही तीसरे नंबर पर दिल्ली आता है, फिर दमन एंड दीव, फिर अंडमान एंड निकोबार। अब ये देखो, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए कंपोजिट इंडेक्स में, तो पहली जो रैंक है वो तमिलनाडु की है, लेकिन इसमें जिन इंडिकेटर सेक्टर का यूज़ किया गया है उसमें अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग परफॉर्मेंस है। अगर आप देखो इसके अंदर जो बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ किए गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले देखते हैं ये 10 सेक्टर, ये 10 सेक्टर कवर्ड आर, वे कौन कौन से है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज़, इकोनॉमिक गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, और जो 10th नंबर है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। तो अब इनमें अलग अलग सेक्टर में कौन सबसे बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है, अब देखो अगर देखा जाए एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में किसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है, तो मध्य प्रदेश। कॉमर्स और इंडस्ट्री में किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, झारखंड। ह्यूमन रिसोर्स
डेवलपमेंट में गोवा, पब्लिक हेल्थ में केरला, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में तमिलनाडु, ई गवर्नेंस में कर्नाटक, सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट में छत्तीसगढ़, और जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी में किसका रैंक है? तमिलनाडु। और एनवायरनमेंट में किसका सबसे अच्छा प्रदर्शन है? वो वेस्ट बंगाल का। तो स्टूडेंट, ये पूरी जो रिपोर्ट थी मैंने आपको बता दी। बस आपको इस रिपोर्ट में मैंने दो होमवर्क दिए हैं। पहला तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है ये बताना आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के, और दूसरा मैंने आपसे पूछा था कि पुदुचेरी का एलजी का क्या नाम है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीटी में भी और मेंस में भी, तो आप इसको अच्छे से एक बार फिर से मेरी इस वीडियो को सुन लेना, इस वाले पार्ट को। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को स्वच्छ वायु प्रदान करने के लिए ऑक्सीजन पार्लर खोले गए हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट नासिक रेलवे स्टेशन। ये आप ध्यान रख लेना, ये वन लाइनर क्वेश्चन यूपीएससी तो कम ही पूछता है। यूपीएससी में तो बस आप इसको बता सकते हो कि किस तरह से हमारी एयर इतनी पोल्यूशन हो रही है कि हमें इस तरह के ऑक्सीजन पार्लर जैसी इनिशिएटिव लेनी पड़ रही है। अदरवाइज ये क्वेश्चन जो स्टेट सर्विसेज में वन लाइनर ज़्यादा पूछे जाते हैं वहाँ ज़्यादा चांसेस है। और कल के हमारे इस एमसीक्यू का आधार ये खबर थी जिसमें बोला गया कि न्यू ऑक्सीजन पार्लर एट नासिक स्टेशन विल गिव यू फ्रेश एयर टू ब्रेथ। आप ध्यान रखना स्टूडेंट। आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है, ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी गति 2.8 मैक है। सेकंड स्टेटमेंट, इसका विकास संयुक्त रूप से भारत एवं फ्रांस द्वारा किया जा रहा है। तीसरा स्टेटमेंट, ब्रह्मोस के प्रथम संस्करण अर्थात फर्स्ट वर्जन को भारतीय नौसेना में वर्ष 2005 में शामिल किया गया था। आपको बताना है कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कौन से कथन सही है, और ऑप्शंस है ए, बी, सी या डी। स्टूडेंट्स, आप अपने जवाब को हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताना। निर्माण आईएएस की डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यूज की आज की सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।